प्रयास संस्था द्वारा एक प्रयास के तत्वाधान में जीटी रोड पुल के नीचे की जगह को स्वच्छ बनाए रखने तथा उसके सौंदर्यकरण हेतु एक प्रयास कार्यक्रम का शुभारंभ आज पालिका बाजार में पुल के नीचे शुरू किया गया। उपायुक्त मेघा कटारिया ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पुल के नीचे सौंदर्यकरण तथा पार्किंग का कार्य आज से शुरू किया गया। प्राइवेट व्हीकल्स तथा टू व्हीलर से पार्किंग के पैसे नहीं लिए जाएंगे, वहीं कमर्शियल व्हीकल से थोड़ा बहुत शुल्क लिया जा सकता है। पुल के नीचे हरियाली का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एलईडी लाइट्स, सफाई कर्मचारी तथा टॉयलेट्स की व्यवस्था का भी प्रयास संस्था द्वारा जिम्मा लिया गया है। भाजपा अध्यक्ष प्रमोद विज ने पानीपत की जनता से अपील की है कि वे पुल के नीचे ही पार्किंग स्थल में अपनी गाड़ियां व टू व्हीलर पार्क करें। उन्होंने प्रयास संस्था के इस प्रयास की प्रशंसा की और उन्हें सहयोग देने की भी बात कही है। इसमें सहयोग है, हर तरह से सहयोग है, कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप एक तरह से पानीपत की से सेवा करने जा रहे हैं एक प्रयास के माध्यम से, और मैं आपको इस मौके पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपने ये शुरुआत की है। प्रोजेक्ट जिन्होंने लॉन्च किया है उनके सभी माननीय पदाधिकारी जन, यहां उपस्थित सभी भाइयों, मीडिया के प्रतिनिधि जन, आप सबको सबसे पहले कान्हा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। जन्माष्टमी के पावन दिन पे अगर मैं ये कहूँ कि पानीपत के इतिहास में एक नई शुरुआत हो रही है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सकारात्मक सोच का परिणाम है ये संस्था एक प्रयास। सच कहूं तो बहुत सारी एप्रीहेंशंस, आशंकाएं किसी भी प्रोजेक्ट से पहले होती हैं, क्योंकि मैं इनसे अलग नहीं हूं एक प्रयास से, इसलिए उन सभी आशंकाओं और उनसे भी मैं पूरी तरह वाकिफ हूं। और मैंने ये भी देखा है कि जहां कटिबद्धता होती है, कमिटमेंट होती है, जहाँ अपने निजी स्वार्थ से हट करके कुछ करने का जुनून होता है, जहाँ अपना, जैसे गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा, अपने मन से या तन से या धन से कुछ भी किसी अपने से हट करके किसी कार्य के लिए देने का जज्बा होता है, वहाँ कोई भी प्रयास असफल नहीं हो सकता, ये तय है, इस बात को मान करके चलिए। ये काम छोटा नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात से वाकिफ हूँ। अभी कृष्ण अग्रवाल जी कह रहे थे कि ये जो जिम्मेवारी हमें दी है, कृष्ण जी बड़ा फर्क है ये कहने में, मैंने आपको जिम्मेवारी नहीं दी है, आपने जिम्मेवारी ली है। जैसे एक बच्चे को घर में कुछ जिम्मेवारी दे दी जाए तो फर्क होता है, जो बच्चा खुद जिम्मेवारी ले लेता है वो उसका और वक्त होती है। तो आपने ये जो जिम्मेवारी ली है, मैं समझती हूँ ये प्रशासन का काम है जो आपने अपने ऊपर लिया है, और हमें इससे ज़्यादा अच्छा क्या महसूस करा सकता है, जहाँ लोग आगे आकर के ये कहें कि जी हम ये करने को तैयार हैं, हमें मौका दीजिए। आप जो कर रहे हैं वो एक तरह से प्रशासन का काम है, प्रशासन के सरपरस्ती में, प्रशासन के सहयोग के साथ और पुलिस प्रशासन दोनों के समन्वय के साथ आप ये काम करेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। और काम कोई छोटा थोड़ी है, केवल सफाई व्यवस्था ही नहीं है, केवल टॉयलेट्स की मैनेजमेंट नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था की ही बात नहीं है, बैठने की व्यवस्था की ही बात नहीं है, बिजली के बिलों की, मतलब कितना कुछ है जो सिर्फ पार्किंग स्थल के साथ जुड़ा है। कि पार्किंग तो एक काम है, उससे जुड़े कितने कितने काम हैं। और एक जो बहुत बड़ा काम आपने अपने हाथ में लिया है, जिसके लिए मैं सचमुच आपके तहे दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, वो है सौंदर्यकरण का, ब्यूटिफिकेशन का। आप कह रहे बड़ा अच्छा सुझाव आया कि किसी का भी जन्मदिन हो, कोई पुण्यतिथि हो, कोई शुभ अवसर हो, तो एक एक गमला ही दान दे दें। आज हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है,
तो अपनी निजी ओर से 11 गमले आप मेरी ओर से जरूर रखवा लीजिए। ये एक पावन दिन है और जिस शुरुआत को आप कर रहे हैं, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि भागीदारी मेरे लिए एक बहुत प्रिय शब्द है। भागीदारी के साथ जो काम किया जाता है उसमें दिक्कतें आती हैं, ये तय है। आप उनके लिए तैयार भी रहिए। जितने जितने प्रोजेक्ट, कोई भी सामुदायिक प्रोजेक्ट जो होते हैं उस पे उंगली उठाने वाले, उनकी कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब शेर अपनी चाल चलता रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जिस मन से, जिस हिम्मत के साथ, और मैं कहूंगी कि ये भी एक देशभक्ति है जो आप दिखाने वाले। जैसे पंजाबी का एक बंद है कि सेवा देश की जिंदड़ी बहुत औखी, गल्ला करनिया ढेर सुखलिया ने, बातें करना आसान है। सेवा देश की जिंदड़ी बहुत औखी, गल्ला करनिया ढेर सुखलिया ने, जिन्ना ऐस सेवा विच कदम रखे उन्ना लख मुसीबत चलिया ने। तो ये मुसीबतों के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप पूरा हिम्मत के साथ जुटिए और जो काम आपने करना है वो आप करें, जो प्रशासन ने करना है वो प्रशासन करेगा। अभी बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि सारा क्रेडिट लेने वाला काम तो आप कर लोगे सकारात्मक, और बुरा बनने वाला काम प्रशासन करने के लिए तैयार है। यानी जितना भी स्लिप रोड पे वाहन खड़े होते हैं उनको हटाना हमारा काम है, इनको एक तरीके से यहाँ पे लगाना आपका काम है। तो मैंने देखा है कि वहाँ किस तरह से निजी रुचि लेकर के लोगों ने पब्लिक स्पेस क्या है। आज का जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये संस्था बनी है एक प्रयास, जो बाजारों में कुछ प्रमुख लोग हैं उन्होंने मिल के ये संस्था बनाई, और उन्होंने पानीपत का जो जाम का प्रॉब्लम है उसे निजात दिलाने की तरफ एक प्रयास है। और मुझे यकीन है कि ये बहुत कामयाब होंगे, इसमें सबका सहयोग इनको मिलेगा, लोगों का सहयोग भी मिलेगा, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग भी इनको मिलेगा। और आने वाले समय में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से डीसी सुमेधा जी आई हैं उन्होंने इसका बीड़ा उठा लिया कि इस फ्लाईओवर को सुंदर बनाना है, हाईवे को सुंदर बनाना है। आप देख रहे हैं पिलर्स के ऊपर पेंटिंग चल रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है जहाँ तक हो सकता है इसकी छत भी जो है पेंट कराई जाएगी। और एक प्रयास के माध्यम से पूरे बाजारों का सहयोग है, लोगों को पूरी सुविधा मिलेगी, उनको पार्किंग की कोई पैसा नहीं देना है यहाँ पे, तो उससे ट्रैफिक जाम भी रोड्स के ऊपर नहीं होगा। तो मैं इसके लिए एक प्रयास के सभी सदस्यों को और एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार धन्यवाद भी करना चाहूँगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। खड़ा करे या ना करे, जल्दबाजी में कहाँ खड़ा। बहुत अच्छा विषय लिया आपने। मेरी सबसे प्रार्थना है कि साइड लेन के अंदर या रोड के ऊपर, चाहे उनको किसी दुकान या बैंक में अगर 2-4 मिनट के लिए भी जाना है तो ये सोच के ना जाएं कि मैं अभी चला जाऊंगा, गाड़ी खड़ी कर लूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पार्किंग की सुविधा सोसाइटी दे रही है तो इनको सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, पार्किंग को फ्लाईओवर के नीचे ही खड़ा करें ताकि ट्रैफिक स्मूथ चले। मेरी सब नगरवासियों से प्रार्थना भी है कि इस पार्किंग का भरपूर फायदा उठाएं। आज जो अपना टेंडर दिया गया है ये संस्था को, सोसाइटी को, ये डिप्टी कमिश्नर महोदय का एक सराहनीय काम है। जो पार्किंग है यहाँ गाड़ी खड़ी हो सकती है, जो जाम तक मुक्ति मिलेगी अपने पानीपत शहर के निवासियों को। मैं डिप्टी कमिश्नर महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो ने अच्छी पहल की है, जाम से छुटकारा मिलेगा। आज पानीपत के लिए तो मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा दिन है, जन्माष्टमी का दिन है। पहले तो पानी सारी जनता को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ, और इस पावन पर्व पर आज जो ये जीटी रोड के पुल के नीचे पार्किंग है और इसकी जो ब्यूटिफिकेशन का काम है उसका शुभारंभ किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा आपको कि जैसे ये पार्किंग आज शुरू करी गई है, ये पार्किंग प्राइवेट व्हीकल्स और टू व्हीलर्स के लिए बिल्कुल फ्री होगी, इसमें किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर ग्रीनरी का पूरा प्रावधान रहेगा, सारी तरफ गमले और पौधों के माध्यम से हम इसके अंदर पूरा ग्रीनरी करेंगे। लाइटें LED लाइटों का इसके अंदर है सारा, रात में जैसे यहाँ पे सारा अंधेरा रहता था वो LED लाइटें होंगी इसके अंदर, सफाई कर्मचारी होंगे, टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, क्योंकि GT रोड में सबसे बड़ी समस्या आती थी महिलाओं को और छोटी बच्चियों को, क्योंकि कोई टॉयलेट नहीं होता था, तो उसके लिए टॉयलेट्स बने हैं, उन टॉयलेट्स की सारी देख रेख, साफ़ सफाई, मेंटेनेंस का भी है, ये प्रयास संस्था ने जिम्मा लिया है।
उसके बाद इसमें हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी सिक्योरिटी को लेकर। इसमें हम सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाएंगे और इसके बाद हमारे एक अपील रहेगी एक प्रयास संस्था की पानीपत के सभी लोगों से कि जो ये जीटी रोड पर अपने व्हीकल पार्क करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी को ये लगता है कि मैंने एटीएम पे जाना है, उस एटीएम पे जाने का मेरे को एक मिनट का काम है और उसके लिए मैं खामखा में 20 रुपये की या 10 रुपये की पार्किंग क्यों दूँ। शायद इन्हीं वजह से सोच के हमने पानीपत की जनता के लिए इस पार्किंग को फ्री करने का एक सोचा है। और सभी दुकानदारों से, जीटी रोड के साइड के जितने दुकानदार हैं, बैंक्स हैं, होटल्स हैं, हम सभी के पास जाकर उनसे एक अपील करेंगे कि आपके पास कोई भी व्हीकल आता है, आप कृपया अपने व्हीकल को पुल के नीचे एक साफ़ सुथरी पार्किंग में खड़ा करें। क्या नाम आपका? गौरव लिखा। सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को नमस्कार करूंगा और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। जिस प्रकार से ये प्रयास किया है शहर के नागरिकों ने, शहर के मौजूद व्यक्तियों ने, व्यापारियों ने, ये बहुत अच्छा प्रयास है। इससे शहर की जो समस्या है, जो जाम की समस्या है, जो लोग सड़कों पर पार्किंग करके बाज़ारों में परचेजिंग करते हैं, मैं उनसे अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग, ये हमारी फ्री पार्किंग है, इस पार्किंग में लगाएं गाड़ियां अपनी और फिर अपने परचेजिंग करें और इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव से हमारे शहर का जाम खत्म हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई मुसीबत का शहरवासियों को या बाहर से आने वालों को कोई सामना नहीं करेंगे, परेशानी का किसी प्रकार की कोई सामना नहीं करेंगे। मेरा नाम इरफान अली पानीपत। जैसा कि पुल के नीचे शुभारम्भ श्री हमारे उपायुक्त सुमेधा कुंडारिया ने जो यहाँ शुभारम्भ किया है, तो हमारी पूरी शहर वालों से, सभी व्यापारी भाइयों से प्रार्थना है कि जितना कि रोड पे जो अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं या मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, उसे वहाँ ना खड़ी करके पुल के नीचे लगाएं, ताकि आने जाने वाले को कोई मुसीबत ना हो सके, कोई रोड जाम ना हो सके। तो मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ सभी से, जो आज इस शुभारम्भ किया गया है, इसमें आप सभी एक प्रयास के साथ मिलकर अपने इस जाम को मुक्त करने के लिए पुल के नीचे अपने वाहन खड़े करें। तो